राजस्थान के सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, टाइगर ने किया एक अधेड़ महिला पर हमला, महिला की मौके पर ही हुई मौत। 40 वर्षीय कुंडेरा निवासी मुन्नी देवी नाम की महिला पर एक रणथंभौर नेशनल पार्क की कुंडेरा रेंज में एक टाइगर ने महिला पर हमला किया। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर, वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद। आपको बता दें कि सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ वहां पर एकत्रित। राजस्थान के सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, रणथंभौर वन्य अभ्यारण्य में एक टाइगर ने अधेड़ महिला पर किया हमला, महिला की मौके पर ही हुई मौत। 40 वर्षीय कुंडेरा निवासी मुन्नी देवी नाम की महिला, रणथंभौर नेशनल पार्क के कुंडेरा रेंज का यह सारा मामला। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप पाटीदार जुड़े। दिलीप, रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे बहुत ही दुखद ये घटना है, महिला की मौके पर मौत हो चुकी है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी दिलीप, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां एनआरआई भाई के हत्यारे जगजीत पहलवान को हुई उम्र कैद, जमानत पर था पहलवान, निर्णय के बाद भेजा गया जेल। जमीन विवाद में 9 साल पहले की गई थी भाई की हत्या। चूरावड़ थाना के 20 जीजी गांव का है मामला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने सुनाया फैसला। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल दीप जुड़े हैं। जी कमल, क्या कुछ सारा मामला है और जेल उसको भेजा गया है, तो अब जो परिवारजन है उनमें किस तरीके का माहौल है इस समय? जी उमंग, बता दूं मैं आपको कि 9 साल पहले जमीन के विवाद को लेकर दो भाइयों में आपस में काफी बहस हुई थी। इसके बाद एक भाई ने अपने दूसरे भाई की हत्या कर दी थी। इसके 9 साल बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश ने नरेंद्र जी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई है। वहीं परिवार की बात करें तो परिवार जो मृतक का परिवार है उनमें खुशी है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो फैसला